नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए तेवर एक नए अंदाज में। लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। थोड़ी देर बाद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वहीं से जहां पर वो नामांकन दाखिल करने पहुंच गए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट के जरिए सूचना दी थी कि कितने बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस वक्त शशि थरूर मौजूद हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। फूलवाला के साथ शशि थरूर के लिए बेहद अहम दिन, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका ही नाम सबसे पहले सामने आया था। उसके बाद एक एक करके सभी नाम सामने आए, जिसमें दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया, वो हालांकि नहीं भर रहे पर्चा। एक वक्त अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया प्रमुख तौर पर, लेकिन उन्होंने भी विड्रॉल कर लिया। लेकिन अब शशि थरूर वर्सेस खड़गे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, देखिए बेहद अहम दिन थरूर के लिए, एक एलिटिस्ट माने जाते हैं, जिस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं किसी भी भाषण में किसी भी बयान में, दरअसल उसके लिए थरूर की एक अलग पहचान है। लेकिन आज जब वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, खड़गे वर्सेस थरूर की लड़ाई है या फिर खड़गे वर्सेस खड़गे ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान या फिर गांधी परिवार की ओर से तय कर लिया गया है कि खड़गे जो कि यस मैन माने जाते हैं वही अध्यक्ष बनेंगे। देखिए नेहा, थरूरिज्म जो है वो बहुत फेमस है और लगातार उनकी इंग्लिश में पकड़ जो है वो बहुत मशहूर है, लेकिन अब उनकी हिंदी में कितनी पकड़ है उसकी भी अग्नि परीक्षा होगी। अगर यहाँ से उनका जो रास्ता है वो आगे अध्यक्ष पद की ओर जाता है, और अभी हम लोग उस कांग्रेस के पीसी रूम में है, जिसको यहाँ पे एक कह लीजिए कि टेम्परेरली इलेक्शन कमीशन जो कांग्रेस का है, जिसको इलेक्शन अथॉरिटी कहते हैं, वो उसका दफ्तर बना हुआ है। यहाँ पे अभी शशि थरूर आए हैं, उसके बाद केएन त्रिपाठी जो कि एक और उम्मीदवार है झारखंड के, वो आएंगे। और शशि थरूर देखिए पूरा माला वाला पहने हैं, पूरे गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ शशि थरूर यहाँ पे नामांकन दाखिल करने आए हैं, और मीडिया का पूरा जमावड़ा है। तमाम जो निर्वाचन अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री और सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे हैं। शशि थरूर यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे और जाहिर तौर पे एक संदेश देने की कोशिश, उन्होंने कहा नतीजे चाहे जो हो पर मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि अरे मेरी कोशिश है ये संदेश माफ कीजिएगा मेरी कोशिश है ये संदेश देने की कि हम जो है कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिसमें लोकतंत्र है। और यहाँ पे बड़ा दिलचस्प सीन है, क्योंकि बाहर लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा हो गया था ये सोच के कि दिग्विजय सिंह भी आएंगे नामांकन दाखिल करने। तमाम मध्य प्रदेश के विधायक और नेता बाहर मौजूद हैं। शशि थरूर दो ढोल नगाड़ों के साथ आए और यहाँ पे शशि देखिए नारा भी सुन लीजिए, हमारा नेता हमारा गुरूर शशि थरूर, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। थरूर साहब मुस्कुरा रहे हैं और पूरे इस लोकतंत्र के इस कांग्रेस पार्टी के इस लोकतंत्र है ये दिखाने और जताने में, और तमाम साउथ इंडिया के चैनल उनको घेरे हुए हैं। ये उन्होंने कहा था कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ हाल ही में, और हमने जब इनसे इंटरव्यू किया था आपको बताया नेहा, तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं, किस तरह से बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। अशोक गहलोत, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, ये सब पहुंचे हैं। दिलचस्प है कि G23 के जो नेता हैं वो शशि थरूर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ शशि थरूर अपने ही सपोर्ट में अपने ही दम पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनको किसी ने कहा नहीं है। ठीक है, मौसमी में लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी खड़गे जी के घर के बाहर से जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, बेहद दिलचस्प, कल रात में अचानक खड़गे जी का नाम आया, आज सुबह और दोपहर होते होते वो सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ गए, और साथ ही दिग्विजय सिंह का गेम बिगड़ गया या बिगाड़ दिया गया। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि मैंने जब खड़गे साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नहीं नामांकन दाखिल कर रहे, फिर मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली, अब ये अंदर खाने कांग्रेस के क्या कुछ हुआ कि दिग्विजय सिंह को ही नहीं मालूम था कि खड़गे जी खड़े हो रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकल गए हैं एआईसीसी के लिए, उनके साथ दिग्विजय सिंह उन्हीं की गाड़ी में बैठे हुए थे। दिग्विजय सिंह दो बार उनके घर पे आए, एक सुबह आए थे मिलने उनसे, दूसरी बार थोड़ी देर पहले आए, और वो खुद उनकी गाड़ी में बैठ करके गए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। काफी सारे नेता थे, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे, नासिर हुसैन थे, कई नेता उनके साथ थे, खुद जो G23 के नेता है पहले ही समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके प्रस्तावक होंगे, दिग्विजय सिंह भी उनके प्रस्तावक होंगे, अशोक गहलोत भी है उनसे करीब एक घंटे के करीब उनसे मुलाकात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे से, वो भी उनके प्रस्तावक होंगे। बात जहां तक कैंडिडेचर की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बिल्कुल कल शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का नाम था, लेकिन खबरें चल रही थी पिछले कई दिनों से कि खड़गे भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कल आते आते देर रात को ये कंफर्म हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब उम्मीदवार होंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनको पार्टी की तरफ से नहीं, मीडिया की तरफ से पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं कई दिनों से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चर्चा में था, कई नाम थे, उनमें से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी था। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, माना जा रहा था कि वो पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार होंगे, इसीलिए दिग्विजय सिंह ने नॉमिनेशन नहीं भरा, उन्होंने कहा मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा, और दूसरे नेता भी इनके समर्थन में आ खड़े, शशि थरूर पहुंच चुके हैं वहां पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आप देख सकते हैं कि कल रात को भी G23 के नेताओं की बातचीत मीटिंग हुई और आज सुबह भी मीटिंग हुई, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कन्फर्म हुआ तमाम लोग उनके समर्थन में आगे आ गए। पार्टी कहीं ना कहीं विचार कर रही थी और कल से ये लग रहा था कि आखिरी दिन एक तीसरा उम्मीदवार आ सकता है जो पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार हो सकता है, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर आगे आया और उनके समर्थन में आप देख सकते हैं तमाम नेता खड़े हो गए और लगातार उनके घर पे नेता मिलने आए। ठीक है, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी भी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शशि थरूर के घर के बाहर से अमित भारद्वाज जुड़ रहे हैं। मौसमी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मौसमी, एक बात बताइए, आपने तो खुद प्रमोद तिवारी से बात की, वो प्रस्तावक के तौर पर सामने आए हैं, उनका लगातार ये कहना था कि खड़गे जी सबसे सीनियर नेता है, अब ये सीनियोरिटी की बात अचानक कैसे आ गई? क्या गांधी परिवार के लॉयलिस्ट वो रहे हैं, इस वजह से उनका नाम प्रबल तौर पर सामने आया, वो यस मैन माने जाते हैं इस वजह से सामने आया, या फिर ये माने कि दिग्विजय सिंह उनके जो पुराने तेवर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कई बार रिवोल्ट की जो स्थिति पैदा की उन्होंने, उस वजह से कहीं ना कहीं खड़गे जी को वन अप और बेनिफिट मिला? देखिए, ये कुल मिला के अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पहले से ही दिग्विजय सिंह ये इशारा कर रहे थे कि शायद वो नामांकन दाखिल करेंगे और आगे तक नहीं जाएंगे, या नामांकन दाखिल ही नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने क्लियर कट नहीं कहा था कि मैं पूरा चुनाव लड़ूंगा, किसी भी उनने इंटरव्यू हमने इतने तमाम लिए और उन्होंने क्लियर कट ये इंडिकेट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि गांधी परिवार से और 10 जनपद से कोई ठान नहीं सकता, कोई रार नहीं लेना चाहता, और एक एक तरफ अगर अशोक गहलोत का नाम हटता है और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कैसे आया, जाहिर है कि 10 जनपद की मंजूरी थी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक सक्रिय हुए। मौसमी, शशि थरूर के बाद कौन पहुंचा है पर्चा दाखिल करने के लिए? जी, वो KN त्रिपाठी हैं, वो झारखंड के उम्मीदवार, झारखंड से नेता हैं और उम्मीदवार है, वो बोल रहे झट से मैं वापस ले लूंगा जैसे ही पार्टी लीडरशिप उनको ये इशारा करेगी, तो वो भी लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं शशि थरूर की तरह, वो भी उम्मीदवार हैं और वो अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आए हैं, झारखंड की सियासत में सक्रिय रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने अपने मकसद से, अपने अपनी मंशा से, अपने अपने इरादों से कुछ जताना और प्रूफ करना चाहते हैं, तो KN त्रिपाठी भी उनमें से हैं कि ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है इसलिए मैं हिस्सा ले रहा हूँ, हमने उनसे बाइट भी ली थी तो बोल रहे थे कि जैसे ही पार्टी आलाकमान करेगा तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये जो पूरा ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है, क्या मैच फिक्सिंग हुई है कि जो भी गांधी परिवार का कैंडिडेट होगा उसके सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी अमित भारद्वाज, मेरे सहयोगी भी शशि थरूर के घर के बाहर से मौजूद हैं। शशि थरूर, देखिए कैंडिडेट तो हैं खड़गे के खिलाफ यहां पर अमित, लेकिन सभी दबे मन ये जानते हैं कि आखिरकार अध्यक्ष कौन बनने वाला है, तो जो ये लॉस्ट बैटल शशि थरूर लड़ रहे हैं या फिर अभी एक और कैंडिडेट वहां पर पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए,
ये पोस्चरिंग लगातार करी जा रही है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, हालांकि ये वन मैन शो है पूरी तरीके से। जी देखिए नेहा, असल में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है चुनाव लड़ते वक्त। आप अगर केएन त्रिपाठी की बात करें, आप सुन रही थी मौसमी कह रही हैं कि आलाकमान से जैसे ही मैसेज आएगा वो वापस ले लेंगे अपना नामांकन, लेकिन शशि थरूर की बॉडी लैंग्वेज जो है इस वक्त वो बिल्कुल अलग है। एक स्ट्रैटेजी के तहत वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और हैशटैग भी दिया है उन्होंने और उनकी टीम ने इस चुनाव को लड़ने के लिए। हैशटैग है थिंक टुमारो थिंक थरूर, यानी कि कल की जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए थरूर को चुने। एक थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी, एक पर्पस कहा जा सकता है या एक स्ट्रॉन्ग चुनावी स्लोगन तक देने की कोशिश की है। ठीक है, आपको रोकेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें आ रही हैं सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे निकल गए हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? खड़गे साहब कब तक नामांकन दाखिल करेंगे? निकल गए हैं शायद वो? देखिए बिल्कुल, घर से थोड़ी देर पहले वो निकले हैं। उनके साथ दिग्विजय सिंह मौजूद थे, दीपेंद्र हुड्डा थे और आचार्य प्रमोद कृष्णन थे। तमाम नेता यहाँ बहुत पहले ही पहुंच गए थे उनके घर पे और सुबह से ही अशोक गहलोत हो या दूसरे नेता उनसे मिलने आ रहे थे, प्रमोद तिवारी भी आए थे। और लेकिन दिग्विजय सिंह उनकी गाड़ी में बैठ करके घर से निकले और नॉमिनेशन फाइल करेंगे थोड़ी देर में। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, पार्टी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, क्या जानकारी, क्या देख पा रही हैं आप? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए दिग्विजय सिंह उनके साथ, ये जो फ्रेंडली फाइट हो रही थी वो फाइट नहीं हुई और अब यहाँ पे एक तरीके से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, तारिक अनवर, दिग्विजय सिंह, ये सारे नेता, अशोक गहलोत पहले ही आ चुके हैं यहाँ पे। दिग्विजय जी, अरे दिग्विजय जी, बहुत अफरा तफरी मची हुई है। दीपेंद्र हुड्डा, दिग्विजय सिंह और ये तमाम नेता अब अंदर जाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जैसे ही खड़गे आए हैं, आप सपोर्ट किसका ज्यादा है उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचे, खचा खच कांग्रेस दफ्तर बिल्कुल कार्यकर्ताओं और नेताओं से भर गया है। अंदर खड़गे हैं, अब सारे प्रस्तावक एक साथ जाएंगे और जो नामांकन है मल्लिकार्जुन खड़गे दाखिल करेंगे। तभी इतनी स्पीड से शशि थरूर बाहर निकले, आप देखिए, क्योंकि जैसे वो निकले हैं वैसे ये गाड़ी आई है। हम लोग चलते हैं अंदर रूम में ताकि आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 9 बार सांसद रह चुके हैं लगातार और उतनी ही बार विधायक भी रह चुके हैं लगातार, बैक टू बैक। गुलबर्ग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत गरीब तबके से आते हैं और बहुत संघर्षशील उनका जीवन रहा है। तो अंदर जाना भैया। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में मंत्री भी थे और लगातार आप देखिए राहुल गांधी के साथ आपको नजर आ जाते हैं संसद में। मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी विवाद में नहीं फंसे, कोई कंट्रोवर्सी उनके नाम से जुड़ी नहीं है, जनता में अच्छी पकड़ है कर्नाटक में उनकी और एक लंबा सियासी एक्सपीरियंस और अनुभव है। दूसरा शालीन है, सॉफ्ट स्पोकन है और कार्यकर्ताओं से उनका जो है खास जुड़ाव है। यहाँ पे आप तस्वीर आपको नजर आएगी, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी वक्त आ सकते हैं और देखना होगा कि इनके साथ कौन कौन से नेता होंगे। दिग्विजय सिंह हमें नजर आए थे, भूपेंद्र हुड्डा वो भी प्रस्तावक है, अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से वो भी प्रस्तावक है, अशोक गहलोत भी प्रस्तावक है, दीपेंद्र हुड्डा भी प्रस्तावक है और ये सब नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आएंगे। कोई भी गांधी परिवार का सदस्य आपको नजर नहीं आ रहा है, तो एक तरीके से पूरी तरह परिवारवाद की जो सियासत है और जो आरोप है
उसको काटने की पूरी कोशिश हो रही है। कांग्रेस के इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से कांग्रेस कितना अपने आप को सिद्ध और साबित कर पाती है ये तो बाद में पता चलेगा, पर इस वक्त जो पूरा सियासी प्रकरण चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तीन उम्मीदवार हैं, एक शशि थरूर दक्षिण से आते हैं और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे और केएन त्रिपाठी। मौसमी, इसमें दो प्रस्तावक ऐसे जो खुद पहले नामांकन दाखिल करने वाले थे, गहलोत और दिग्विजय सिंह, अब देखिए विडंबना देखिए, अब प्रस्तावक बन गए। बिल्कुल, बेसिकली ये मैसेज देने की कोशिश है कि मलिका और सारे डेलीगेट्स को, क्योंकि ये सब राज्य इकाइयों में चुनाव होगा, यानी कि 17 तारीख को चुनाव होगा राज्य इकाइयों में, और जब ये चुनाव होगा तो ये संदेश देने की कोशिश है राजस्थान को, हरियाणा को, बिहार को, तमाम डेलीगेट्स, क्योंकि पीसीसी में होता है चुनाव, यहाँ नहीं होता है, बैलेट पड़ेगा, सीक्रेट बैलेट होता है, तो संदेश देने की कोशिश है कि किसके लिए आप वोट डालिए। जैसे कि आप देखिए कि संसदीय चुनाव में भी होता है, जो प्रस्तावक होते हैं जाते हैं, अमूमन राहुल गांधी के साथ आपको प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में नजर आती है या रायबरेली में सोनिया गांधी के साथ, तो यहाँ पे उनकी टीम में कौन है, खड़गे की अब टीम बनेगी, कांग्रेस पार्टी की नई टीम जो खड़गे के नेतृत्व में होगी। 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष जो कि गैर गांधी है मिलेगा। अब तक कांग्रेस के इतिहास में लगभग 14 बार ऐसा हुआ है कि गैर गांधी अध्यक्ष बना है। अब मल्लिका अर्जुन खड़गे, आपको बता दें सीताग्राम केसरी आखिरी ऐसे शख्स थे जो गैर गांधी थे, और उसके बाद अब मल्लिका अर्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, तो वो अपने आप में देखिए तस्वीरें देखिए आप, अच्छा अच्छा आने ही वाले हैं, और यहाँ गहमा गहमी तेज हो गई है, बिल्कुल कैमरे चमक रहे हैं, नेताओं के चेहरे भी चमक रहे हैं, कुर्ते कड़क रहे हैं, और एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक उत्साह दिख रहा है। राहुल गांधी केरल में है, प्रियंका गांधी दिल्ली में आई नहीं है, 10 जनपद न्यूट्रल रहेगा ये कहा गया है, पर क्या वाकई में न्यूट्रल है ये बड़ा सवाल है। जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है, पर आजकल सारा फोकस कांग्रेस पार्टी के चुनाव पे आना कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मकसद सिद्ध होता है कि हम लोग फैमिली पार्टी नहीं है, हमारे हम एक अलग मिसाल, अलग एक अलग मील का पत्थर जो है चुनाव करा के साबित करेंगे और पहुंचेंगे। और यहाँ पे आप देखिए सुगबुगाहट तेज हो गई है, शोर शराबा हो रहा है, पीछे नेताओं की लाइन लग रही होगी, कौन किधर खड़ा होगा, खड़गे का राइट हैंड मैन कौन होगा, लेफ्ट हैंड मैन कौन होगा, ये भी बात हो रही है। G23 के भी नेता पहुंच गए, देखिए दिलचस्प है, भूपेंद्र हुड्डा G23 प्रस्तावक, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा G23 सपोर्टर, खड़गे कोई भी शशि थरूर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, शशि थरूर को ठीक तो है कहते मैं लौटूंगी। एक गहमा गहमी जो आप दिखा रही है दरअसल अब से कुछ ही देर बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है जब खड़गे अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। फिलहाल पहुंच चुके हैं, घर से उनके साथ दिग्विजय सिंह भी आए हैं, और खड़गे के प्रस्तावकों में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। शशि थरूर ने नामांकन कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन करने पहुंच गए हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह मौजूद हैं जो कि प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ खड़े होंगे। वहीं शशि थरूर अब से कुछ ही देर पहले नामांकन दाखिल कर चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पर्चा भरने पहुंच चुके हैं। तो अब शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे की लड़ाई है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, जिसे कांग्रेस लोकतांत्रिक बता रही है। ये कहा जा रहा है कि इस बार काफी साल बाद गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। मौसमी मेरी सहयोगी वहीं पर मौजूद है जहां पर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मौसमी, खड़गे नामांकन दाखिल करने में उनके कितनी देर है? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको हमने बताया था कि उनका जो नामांकन पत्र है, दो नामांकन पत्र तैयार किए गए, एक में पवन बंसल और बाकी नेता है, दूसरे में एच के लकी हैं और बाकी नेता हैं, दोनों चंडीगढ़ से ये प्रस्ताव आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रपोजर्स है उनमें
पूरे भारत भर के नेता शामिल है। मदन से हम कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली के नेता यहाँ पे आए हुए हैं, अनिल चौधरी जी तो यहाँ पे दिल्ली के नेता आए हुए हैं। और अनिल जी, आपने दिल्ली के नेताओं को सबको बुलाया है, तो खड़गे के समर्थन में आए हैं थरूर के नहीं? देखिए, अभी पूरी तस्वीर सामने अभी ओपन होने वाली है, थोड़ा इंतजार करें, जो होगा सबके सामने होगा। स्वाभाविक है, पूरे देश के लोग आए हुए हैं, देश के पूरे कार्यकर्ता हैं, और आज आखिरी दिन है तो स्वाभाविक है सबके मन में उत्सुकता है कौन कौन नॉमिनेशन भर रहे हैं। तो दिल्ली के लीडर्स भी आए हैं, वर्कर्स भी आए हैं, तो थोड़ा इंतजार करने के बाद सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये लगातार कयास लगाई जा रही है कि राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं खड़गे, तो उनकी जगह कौन भरेगा वहाँ पे? देखिए, मैंने ये कहा कि अभी पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उम्मीदवार हैं, बढ़िया है खड़गे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हक है, सब अपना इरादा लेके चाहते हैं। राहुल जी की बनाने की इच्छा थी वर्करों की, राहुल जी ने खुद का एक निर्णय लिया। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो क्या क्या नॉमिनेशन आए हैं, इलेक्शन आयोग सामने बैठा है, मधुसूदन मिस्त्री जी बैठे हैं डाइस पे, तो मुझे लगता है जैसे ही नाम आएंगे हर नाम पे चर्चा होगी। और उसके ठीक है, मौसमी में लौटूंगी आपके पास, क्योंकि नामांकन अभी खड़गे के दाखिल करने में थोड़ा वक्त बचा हुआ है, हम वापस आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता क्या कुछ बयान दे रहे हैं अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए, सुनिए। I've come all the way to pay homage to Mahatma Gandhi, who has taught us all the great importance of sticking to the courage of one's own convictions. And I think in that spirit, I intend to file my nomination, and I see no reason not to continue with the effort. How confident you are, sir? Look, when you enter a race, you know that the outcome is uncertain, but you go with the confidence that you will give a good account of yourself. Kharge ji, mere neta hai, mere se senior hai. Kal main unke ghar gaya tha, unse maine pucha tha कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे मैं से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। मेरा बस चलेगा, मतलब मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहें कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इतने मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं दिलवाऊंगा। कांग्रेस जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे, यही दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं, यही अशोक गहलोत भी कह रहे हैं। खड़गे के नाम पर पूरी सहमति यहां दिग्विजय सिंह जताते हुए, यही वजह है कि उन्होंने नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया। मौसमी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए, खड़गे का प्रमुख तौर पर, प्रबल तौर पर दावेदार के रूप में सामने आना कल रात से शुरू हुआ और आज सुबह होते होते सबसे मुखर तौर पर उनका नाम सामने आया, क्या ये कर्नाटक के मद्देनजर है, उनकी सीनियोरिटी के मद्देनजर है, या जो गांधी परिवार के प्रति उन्होंने वफादारी इतने साल दिखाई है, एक यस मैन के तौर पर उभरे हैं, कौन कौन से उनके हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो उनको सबसे प्रबल बनाते हैं? गांधी अध्यक्ष बनेगा किस तरीके से आप इसको देखेंगे? देखिए, गांधी परिवार का फैसला है, उन्होंने कहा कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना है और पार्टी के अंदर से कोई भी बने, और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है, जो भी दाखिल करना चाहे दाखिल करे, जो भी जीते वो अध्यक्ष। सर, क्या रहेगी गांधी परिवार की भूमिका, आप क्या रहेगी? गांधी परिवार की भूमिका ही रहेगी कि जो भी जहां पार्टी को जरूरत पड़ेगी पार्टी की सेवा के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और जो पार्टी का अध्यक्ष होना चाहे वो पार्टी चलाएगा। सर, एक सवाल जो एक मेरे मन में पत्रकार के तौर पर घूम रहा है वो ये कि अब आपके अध्यक्ष जो हैं वो साउथ इंडिया से होंगे, दक्षिण भारत से होंगे, और नॉर्थ इंडिया जो एक तमाम तरीके से कांग्रेस वहां पर पिछड़ती है अभी तक, तो आपको नहीं लगता इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको? इसका इम्पैक्ट जो है कोई गड़बड़ नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, उसके लिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत सब एक है ना, और पार्टी में अन्य पद भी होते हैं जिसमें उत्तर भारत के लोग भी होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मौसमी, आपने मेरा सवाल सुना होगा, आप उसका जवाब दे दीजिए।
जी मैं ये बोल रही हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर लगभग 45 साल का है। गुलबर्ग से वो 2014 में भी चुनाव जीते थे जब मोदी लहर थी, और एक वकील है पेशे से। और आपको बता दें कि रेल मंत्री रहे हैं केंद्र में लगातार। कई बार ऐसा हुआ है कि उनका नाम कर्नाटक मुख्यमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है, उस रेस में रहे, पर हर बारी कर्नाटक की सीएम की कुर्सी जो है उनसे दूर रही। पिछली बार जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उनका नाम चल रहा था, पर गांधी परिवार, यहाँ देखिए तस्वीरें, अशोक गहलोत और तमाम नेता, प्रमोद तिवारी, आनंद शर्मा हाथ पकड़े हुए हैं अशोक गहलोत का, और यहाँ पे कांतिलाल भूरिया दिख रहे हैं, अविनाश पांडे दिख रहे हैं, और मैन ऑफ द मोमेंट अब पहुंच रहे हैं मल्लिका अर्जुन। लाभ मिले इससे पहले जिसे नाम वापस लिए, आपको लगता है कि खड़गे जी ने सबसे सोनिया गांधी को चाहा, उस दफा भी चाहते थे। बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित हो गए। कांग्रेस के वो यहाँ पे पीसी रूम में मौजूद है, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रसाद सिंह, अविनाश पांडे, सारे नेता, तारिक अनवर यहाँ पे, दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत बिल्कुल आगे खड़े हैं, जिनको उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को नामांकन भरना था कल तक, आज वो उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार नहीं रहा, अब दूसरा उम्मीदवार है। और यहाँ पे पूरी कांग्रेस की, क्रिकेट टीम की तरह कांग्रेस की टीम नजर आ रही है, पर गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। अपने आप में ये एक अलग संदेश देने की कोशिश कि गांधी परिवार ने इस पूरी प्रक्रिया से किनारा कर लिया है। और G23 के नेता मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, और गिनती करते हैं आनंद शर्मा 3, भूपेंद्र हुड्डा 4, ये सब G23 के नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या रंजिशें खत्म हो गई, मनमुटाव खत्म हो गया, क्या कांग्रेस की गाड़ी अब पटरी पे आ गई है? I think we should not tend to divide India in all those lines actually. You know, it's the entire big organization. Sometimes you have a person as the president from one place, at another time from another place. And that's the long history of Congress which it has actually witnessed to it. गिरेगा तो नहीं? मौसमी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। मौसमी अपनी बात पूरी कीजिए, बताइए। और ये बताइए कि जो जो चेहरे इस वक्त वहाँ पर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये तमाम लोग खड़गे के सपोर्ट में मौजूद हैं। तो हमने जब थरूर की तस्वीरें देखी, जब वो वहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, उनके लिए कोई प्रबल तौर पर प्रस्तावक के रूप में सामने ही नहीं आया। क्या सब ये माने बैठे हैं कि थरूर अध्यक्ष पद की रेस में है ही नहीं? नहीं, रेस तो वो दौड़ रहे हैं, और वो खुद भी बोल चुके हैं कि मैं जीतू ना जीतू, नतीजा कुछ भी हो, रेस में दौड़ूंगा। पर मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले ना दौड़े, ऐसे में शशि थरूर दौड़ रहे हैं। और ये आप उनकी महत्ता समझिए, उनका महत्व समझिए। शशि थरूर अगर रेस में नहीं दौड़ेंगे तो फिर चुनाव नहीं होगा, और फिर कांग्रेस कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तो यही वजह है कि जब शशि थरूर निकले थे ये फैसला करके तिरुवनंतपुरम से, राहुल गांधी को अलविदा कह के, भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ो कह के, तब वो सोनिया गांधी से मिले थे यहाँ पे, और उसके बाद से वो पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे जो जोश आपको नजर आ रहा है, ये गांधी परिवार की बैकिंग का जोश है। यहाँ अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं, पृथ्वीराज चव्हाण का मैं नाम लेना भूल गई थी, वो भी G23 के नेता है, 5 G23 के नेता। अब शोर बढ़ता चला जा रहा है, और भूपेंद्र हुड्डा वहां नजर आ रहे हैं, पवन बंसल, वो शख्स, वो नेता जिन्होंने 2 फॉर्म लिए थे, और फॉर्म लेके वो जो है तैयारी करके बैठे थे, जिस क्योंकि वो ट्रेजरर है पार्टी के, तो जो संदेश जाएगा, जो ट्रेजरर होता है वही जो है आगे एक संदेश जाता है कि पार्टी का ट्रेजरर अगर नामांकन में नाम है तो फिर ये रेस जो है। सलमान साहब क्या कहेंगे आप, आज आपके वहाँ चुनाव?
संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव हो रहा है, ये हमारा संदेश है और कहीं चुनाव नहीं होता। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स? पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए, खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है, सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। राहुल गांधी रेस से हट गए, पहली बार हो रहा है कि 24 साल में एक गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। देखिए इससे कोई समस्या नहीं है, हम बड़ा स्पष्ट पहले से कह चुके हैं, मैं स्वयं कह चुका हूं कि प्रेसिडेंट और लीडर एक ही नहीं होता है, प्रेसिडेंट भी लीडर होता है लेकिन एक उसके साथ साथ एक प्रमुख लीडर होता है। प्रमुख लीडर अगर ये जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो ले किसी और को दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सबको वास्तविक अंबिका जी किसी ने, हमने आपको सुबह फोन किया था, मैं ये पूछ रही थी सलमान साहब से कि 24 साल बाद एक गैर गांधी पद पे अध्यक्ष पद पर आने वाला है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज करे? फॉर द ग्रेट एंथुसियाज्म एंड शो ऑफ सपोर्ट फॉर चेंज इन द कांग्रेस पार्टी, आई बिगेन द डे आफ्टर प्रेयर्स बाय पेइंग होमेज टू महात्मा गांधी जी एट राजघाट, द मैन हु टॉट अस ऑल to live up to the courage of our convictions, something which is a great inspiration to me as I embark on this journey. I then went and paid tribute at Veer Bhumi, Shakti Sthal, where Rajiv Gandhi is memorialized, the man who built the bridge that took India to the 21st century. And it was a reminder that this election is about the young people of India and about the future of our country. And our party is the natural party to build on what Mahatma Gandhi and Rajiv Gandhi and the very famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future.